इंडिकेटर्स आई हैव मेंशनड दिस टर्म इन माय लास्ट लेक्चर. इंडिकेटर्स आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेस विच हैव एबिलिटी टू चेंज कलर अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. अब इस डिफिनीशन में पीएच जो वर्ड आ रहा है वो उसको हम लोग को समझना होगा, इंडिकेटर के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए. ठीक है, सबसे पहले हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इंडिकेटर्स को और उसके बाद हम लोग इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं. तो मैं डिफाइन करता हूँ, दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस. ऑर्गेनिक का मतलब हो गया कि जो नेचुरल्स नेचुरल कहें या फिर आप कहिए प्लांट सोर्स से जो हमको मिलते हैं. ठीक है ना, मैंने आपको बताया था एसिड्स को क्लासिफाई करते समय सोर्स के बेसिस पर दो तरह के एसिड होते हैं. ठीक है, एक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और दूसरे होते हैं मिनरल एसिड्स. तो जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो ज़्यादातर प्लांट सोर्स से ही उनको हम लोग ऑब्टेन करते हैं. ठीक है, तो ये जो होते हैं इंडिकेटर्स जो होते हैं दे आर वीक ऑर्गेनिक एसिड्स और बेसिस, मतलब या तो ऑर्गेनिक एसिड होगा या तो ऑर्गेनिक बेस होगा. ठीक है ना, विच सो कलर चेंज अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन, अकॉर्डिंग टू द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन. यहां जो वर्ड पीएच दिख रहा है इसका सिंप्लीफाइड मीनिंग, ठीक है, सिंपल लेवल पे स्कूल लेवल पे अगर हम लोग बात करें तो इसका मीनिंग है परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन आयन. मतलब अगर सॉल्यूशन है तो उसमें हाइड्रोजन आयन की अमाउंट कितनी है. ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए ये टर्म डिफाइन किया जाता है पीएच. ठीक है, आगे अभी मैं बता रहा हूँ कि पीएच को हम लोग डिफाइन कैसे करते हैं. तो इंडिकेटर्स क्या हो गए, इंडिकेटर्स वीक ऑर्गेनिक एसिड्स हैं या फिर वीक ऑर्गेनिक बेसिस हैं जिनमें ये एबिलिटी होती है कि वो सॉल्यूशन के पीएच के अकॉर्डिंग कलर चेंज शो कर सकते हैं. यानी उस सॉल्यूशन में जैसे ही पीएच चेंज होगा या हम कहें हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही चेंज होगा वो सबस्टेंस एक पार्टिकुलर कलर चेंज शो करेंगे. ठीक है, जैसे आपका लिटमस जो है उसका ओरिजिनल कलर पर्पल होता है, लेकिन अगर सॉल्यूशन एसिडिक है, कोई एसिड के सॉल्यूशन में उसको ऐड किया जाए अगर, तो वो रेड कलर शो करता है. वहीं अगर बेस में उसको ऐड किया जाएगा तो वो ब्लू कलर शो करता है. तो ये जो कलर चेंज है ये काफ़ी हेल्पफुल होता है सबस्टेंस को एसिड बेस या साल्ट के कैटेगरी में कैटेगराइज करने के लिए. मैंने पहले भी आपसे बताया था कि इट इज़ नॉट सेफ टू टेस्ट ईच एंड एवरी सबस्टेंस. इट इज़ ऑल्सो मैंडेटरी दैट वी शुड नॉट ट्राई टू टेस्ट एनी सबस्टेंस विच इज अवेलेबल इन आवर सराउंडिंग. कोई भी चीज़ आपको मिल गया उसको टेस्ट करने की आदत हमारी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो हमारे लिए एडवर्स इफेक्ट कॉजिंग भी हो सकता है, वो पॉइजनस भी हो सकता है, इरिटेटिंग भी हो सकता है, कोरोसिव भी हो सकता है. इसलिए किसी भी चीज़ को टेस्ट करके उसको कैटेगराइज करना सही नहीं है. ठीक है, इसलिए इंडिकेटर्स का हम लोग यूज करते हैं. इंडिकेटर्स वीक ऑर्गेनिक एसिड या वीक ऑर्गेनिक बेसिस होते हैं जिनमें एबिलिटी होता है कि सॉल्यूशन में एच प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन चेंज होने पर उनमें कलर चेंज दिखता है. ठीक है ना, तो कलर के बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई कर लेंगे कि जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है या फिर एल्कलाइन है या बेसिक है. ठीक है ना, अच्छा अब ये ऐसी एबिलिटी आती कैसी है इंडिकेटर्स में. तो इंडिकेटर्स जनरली क्या होते हैं कि दे आयोनाइज पार्शियली इन द सॉल्यूशन. जो इंडिकेटर्स होते हैं हमारे, जैसे एक सिंबल के फॉर्म में आयन से हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं, तो जैसे ही ये सॉल्यूशन में जाएगा तो पॉजिटिव आयन्स और नेगेटिव आयन्स के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है. ठीक है, और यही जो कलर
यही जो आयंस होते हैं इन्हीं का कलर चेंज होता है, यानी जैसे जैसे सॉल्यूशन का पीएच चेंज होगा या हम कहें सॉल्यूशन में एच प्लस आयन की कंसंट्रेशन चेंज होगी, तो ये जो आयंस हैं इन्हीं का कलर चेंज होता है। तो कलर ऑफ आयंस चेंजेस अकॉर्डिंग टू पीएच, ठीक है। जैसे एज फॉर एग्जांपल देखिए, कुछ इंडिकेटर्स जो जनरल हैं उनको मैं यहाँ मेंशन कर रहा हूँ। जैसे लिटमस है, तो ओरिजिनल कलर इसका जो होता है पर्पल होता है। अब एसिडिक मीडियम में इसका कलर क्या होगा, और बेसिक मीडियम या एल्कलाइन मीडियम आप कह सकते हैं उसमें इसका कलर क्या होगा, तो एसिडिक मीडियम में रेड है और बेसिक मीडियम में ब्लू है, ठीक है। मिथाइल ऑरेंज, मिथाइल ऑरेंज का ऑरेंज कलर है, एसिड में पर्पल सॉरी पिंक येलो हो जाएगा, पिंक हो जाएगा और बेस में येलो हो जाएगा। फिनोप्थलीन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका ओरिजिनल कलर जो है कलरलेस होता है, ये एसिड में कलरलेस ही रहेगा और बेस में ये पिंक हो जाता है। कुछ जो कॉमन इंडिकेटर्स हैं उनको यहाँ मैंने मेंशन किया है। आपके घर में भी एक इंडिकेटर पड़ा हुआ है, मैंने पहले भी बताया था, टर्मरिक, उसको आप चेक करिए। टर्मरिक का ओरिजिनल कलर ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन अगर साबुन ले लीजिए, सोप ले लीजिए, उसके ऊपर थोड़ा सा टर्मरिक ऐड करके देखिए, वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। तो इस तरह से कलर चेंज जो होता है वो ये बता रहा है कि जो सबस्टेंस जिसके ऊपर उस टर्मरिक को ऐड किया गया है वो क्या है, बेस है, ठीक है ना। तो इंडिकेटर्स जो हैं इनको समझने के लिए हम लोग को पीएच को भी समझना पड़ेगा, ठीक है। अब प्योर वाटर का एनालिसिस किया गया, प्योर वाटर, प्योर वाटर की मतलब ये बात हो गई कि जिसमें कोई मिनरल्स डिजॉल्व नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। आमतौर पे हम लोग प्योर वाटर को समझ लेते हैं कि जो पानी हम पीने के लिए यूज कर रहे हैं, साफ सुथरा पानी है, उसको हम लोग प्योर वाटर को समझने लगते हैं। लेकिन प्योर वाटर यहाँ जो कहा जा रहा है वो केमिकली प्योर, मतलब केवल वाटर के मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उसमें कोई डिजॉल्व मिनरल्स नहीं रहेंगे, ठीक है। इसको डिस्टिलेशन से प्रिपेयर किया जाता है, वाटर को लेकर के इवापोरेट होता है वाटर नेचुरली, ठीक है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसको वेपराइज करेंगे और वेपर्स को कंडेंस करके जो वाटर आपको मिलेगा, जो कंडेंस्ड फॉर्म होगा वेपर वाटर वेपर्स का जो आप कलेक्ट करते हैं, वो आपका है प्योर डिस्टिल्ड वाटर, ठीक है ना। तो वो वाटर जो है केवल वाटर मॉलिक्यूल्स उसमें है, कोई सॉल्ट उसमें डिजॉल्व नहीं है। इवन जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर यूज करते हैं उसमें भी कुछ मिनरल्स डिजॉल्व होते हैं, तभी उसकी एक पार्टिकुलर टेस्ट होती है, अदरवाइज प्योर वाटर इज कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस, ठीक है। तो मैं यहाँ प्योर वाटर की बात कर रहा हूँ एट 25 डिग्री सेल्सियस, प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस। अगर इस सैंपल का एनालिसिस किया जाता है तो वाटर में दो आयंस प्रेजेंट हो सकते हैं, H प्लस एंड OH माइनस। तो प्योर वाटर में जब चेक किया जाता है इनके कॉन्सेंट्रेशन को, तो ये पता चलता है एट 25 डिग्री सेल्सियस प्योर वाटर में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों बराबर होता है, और इसकी वैल्यू होती है 10^-7 मोल पर लीटर। देखिए मोल जो है वो यूनिट है, यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, आपने फिजिक्स में इसको पढ़ा होगा, फंडामेंटल यूनिट्स। तो मोल इज द फंडामेंटल यूनिट फॉर द अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। हालांकि आगे के क्लासेस में मैं मोल के बारे में भी आपको बताऊंगा, मोल कॉन्सेप्ट हम लोग को जानना है, तो मोल कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर दूंगा वहां पर कि मोल्स क्या होता है, और कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग जैसे ग्राम पर लीटर में भी आप बता सकते हैं, लेकिन वो फंडामेंटल यूनिट नहीं है। फंडामेंटल यूनिट क्या होगा, मोल होगा अमाउंट का। तो यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कहने का मतलब है कि 1 लीटर वॉल्यूम में H प्लस आयन के कितने मोल्स हैं, ठीक है, 10^-7 मोल पर लीटर। इट मीन्स एट 25 डिग्री सेल्सियस 1 लीटर ऑफ वाटर विल कंटेन 10^-7 मोल्स ऑफ H प्लस आयन एंड
10^-7 मोल्स ऑफ OH- आयंस। वन मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? वन मोल इज इक्वल टू होता है 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स। अगर किसी भी सब्सटेंस के इतने पार्टिकल्स रखे हुए हैं 6.022 × 10^23 पार्टिकल्स, तो उस अमाउंट को हम लोग कहते हैं वन मोल। ठीक है, अब यहाँ क्या बताया जा रहा है कि अगर प्योर वाटर है तो 25 डिग्री सेल्सियस पर उसका एनालिसिस किया जाएगा, तो एक लीटर प्योर वाटर में कितने मोल्स मिलेंगे H+ आयन के? 10^-7 मोल्स, और उतने ही OH- आयन्स के भी मिलेंगे। इसी वजह से प्योर वाटर न्यूट्रल होता है, क्योंकि उसमें जितने H+ आयन्स हैं उतने ही OH- आयन्स हैं, एंड देयरफॉर प्योर वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं प्योर वाटर इज न्यूट्रल। ठीक है, अब एसिड क्या होते हैं? एसिड में क्या होगा कि H+ आयन ज्यादा हो जाएगा, OH- आयन कम हो जाएगा। ये जो ब्रैकेट में बना रहा हूं ना, इसको पढ़ते हैं हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ये एक टेक्निकल टर्म को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसको आप मैथमेटिक्स का ब्रैकेट मत समझिएगा। सिंपली H+ लिखा जाए मतलब H+ आयन हो गया, ऐसे ब्रैकेट लगा दिए, इसका मतलब हुआ मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ये पूरा सेंटेंस को हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन। ठीक है, यानी एक लीटर सॉल्यूशन में पार्टिकुलर आयन्स के कितने मोल्स हैं, उस चीज को ये ब्रैकेट रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास। ठीक, तो प्योर वाटर न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि उसमें H+ आयन और OH- आयन दोनों बराबर संख्या में होते हैं। ठीक है, अब जब हम लोग बात करेंगे केस वन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इज इक्वल टू 10^-7 मोल पर लीटर, तो ये सॉल्यूशन होगा न्यूट्रल। यानी जितने सॉल्ट्स होते हैं उनके सॉल्यूशन में H+ आयन्स और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल होता है। केस टू, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन्स इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- आयन्स। H+ आयन ज्यादा हो जाए, OH- आयन कम हो जाए, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा एसिडिक सॉल्यूशन। और केस थ्री है, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज लेस देन OH- आयन, मतलब OH- आयन ज्यादा हो गया, H+ कम हो गया, तो वह ऐसा सॉल्यूशन हो जाएगा बेसिक। ठीक है, जैसे एक बीकर में, यहां सपोज करिए एक बीकर में प्योर वाटर है, ठीक है, और इसमें HCl सॉल्यूशन ऐड कर दिया गया, तो क्या होगा? पहले जो था H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन और OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल था, लेकिन जैसे ही आपने HCl ऐड किया तो HCl ब्रेक होकर के कौन सा आयन प्रोड्यूस करेगा? H+। तो H+ आयन प्रोड्यूस करेगा, तो जाहिर सी बात है कि अब H+ आयन ज्यादा हो जाएगा OH- आयन से, तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? एसिडिक हो जाएगा। इसी तरह से जब आप एल्कली ऐड करेंगे, वाटर सोल्यूबल बेसिस, तो क्या होगा? OH- आयन बढ़ जाएगा, H+ कम रहेगा, तो सॉल्यूशन हमारा हो जाएगा बेसिक। ठीक है, अब बढ़ना या कम होना, इस चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए pH को डिफाइन किया गया है। ठीक है, अब हम pH को डिफाइन कर देते हैं, फिर एक एग्जांपल से आपको समझाएंगे कि सॉल्यूशन का pH का रेंज क्या हो सकता है। ठीक है, अच्छा, प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें मैंने कहा कि H+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH- आयन का कॉन्सेंट्रेशन दोनों इक्वल होता है, होता कितना है? 10^-7 मोल पर लीटर। और एक टर्म डिफाइन किया गया है आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ये पूछा जाता है जनरली एग्जाम में कि इसकी वैल्यू कितनी होती है, kW, यानी वाटर के जो आयन्स हैं उनके कॉन्सेंट्रेशन का प्रोडक्ट कितना होता है। तो देखिए, दो ही तो आयन्स हैं और दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 10^-7 है, तो kW इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H+ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH- इक्वल टू 10^-7 इंटू 10^-7। वेन बेस आर सेम, द पावर्स आर एडेड, तो कितना होगा? 10^-7 प्लस
माइनस सेवन इज इक्वल टू हो गया 10^-14। ठीक है, ये वैल्यू को हम लोग कहते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। ठीक है, के डब्ल्यू का वैल्यू होगा 10^-14। ठीक, अब दूसरा टर्म है हमारा पीएच। पीएच को कैसे डिफाइन किया गया, लेकिन पीएच को डिफाइन करने से पहले थोड़ा सा एक एग्जांपल से इसको समझ लें। केस टू में कहा गया कि H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन OH माइनस से ज्यादा है। केस वन में क्या दिख रहा है, दोनों का कॉन्सेंट्रेशन 10^-7 है, तो ज्यादा तब कहेंगे जब ये वैल्यू 10^-7 से, यहां पर जो नेगेटिव पावर है तो नेगेटिव पावर जितना कम होगा वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी। जैसे केस टू के लिए हम सपोज कर रहे हैं एग्जाम्पल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एच प्लस इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 10^-7 एज फॉर एग्जाम्पल 10^-6 10^-5 10^-3 ऐसे हो सकता है। देखिए नेगेटिव नंबर जितना कम होगा वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी, ठीक है ना। और केस थ्री में अगर हम बात करें एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज लेस देन 10^-7 तो यहां क्या क्या वैल्यू हो सकता है, एज फॉर एग्जाम्पल 10^-8 हो सकता है, 10^-9 हो सकता है, 10^-10 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। ठीक है, ये मैक्सिमम कहां तक जा सकता है, 10^-14 तक। ठीक है, 10^-14 से ज्यादा नहीं हो सकता है, क्योंकि वाटर में जितने भी आयन्स हैं H प्लस आयन और OH माइनस आयन्स, उनका टोटल जो प्रोडक्ट होगा आयनिक प्रोडक्ट होगा दैट कैन नॉट एक्सीड 10^-14। ठीक है, 10^-14 से कम नहीं हो सकता है, ठीक है ना, इससे ज्यादा हो सकता है लेकिन इससे कम नहीं हो सकता है। कम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप नेगेटिव पावर अगर बढ़ाएंगे तो उसकी वैल्यू कम हो रही है। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए पीएच डिफाइन किया गया। पीएच क्या होता है, एक मैथमेटिकल टर्म है। पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, देखिए पीएच इज डिफाइंड एज नेगेटिव लॉगरिथम टू द बेस 10 ऑफ हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। मतलब पीएच क्या है, पीएच इज इक्वल टू नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 ऑफ एच प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन, यानी एच प्लस आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन है सॉल्यूशन में, जो यहां मोल्स पर लीटर में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उसकी जो भी वैल्यू है उसका आप नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 निकाल लीजिए, वही कहलाता है पीएच। ठीक है, जैसे देखिए सपोज करिए सॉल्यूशन में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन है 10^-7 तो पीएच कितना होगा, तो पीएच इज इक्वल टू हो जाएगा नेगेटिव लॉग टू द बेस 10 और यहां रख देंगे 10^-7। अब आपने लॉग पढ़ा है तो ये नेगेटिव पावर है, ये पूरा पावर आगे आ जाएगा, क्या हो जाएगा -7 लॉग टू द बेस 10 लॉग बेस 10 कितना होता है 1 होता है, तो ये वैल्यू हो जाएगी 7। तो ऐसे सॉल्यूशन जिसका पीएच 7 होता है उसको हम लोग कहते हैं न्यूट्रल। ठीक है, दूसरा वैल्यू हम सपोज कर रहे हैं एच प्लस की वैल्यू देखिए 10^-6 सपोज करते हैं, तो इस केस में देखिए कितना होगा, पीएच इज इक्वल टू -log(-10) 10^-6। तो आगे आप सॉल्व करेंगे पीएच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। और ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग कहेंगे, देखिए ये 10^-7 से ज्यादा है ये, क्योंकि ये नेगेटिव पावर है, तो नेगेटिव पावर जितना कम होगा वैल्यू उतना ही ज्यादा होगी। यहां पर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन केस वन में देखिए H प्लस आयन OH माइनस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 10^-7 है। केस टू पे मैंने ये सपोज किया है 10^-6 10^-6 कहने का मतलब है कि इससे ज्यादा है, इस वाले केस से H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, तो जाहिर सी बात है सॉल्यूशन क्या होगा, एसिडिक होगा। ठीक है, अच्छा, और अगर हम सपोज कर लें केस थ्री में H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10^-8 है, ठीक है, -8 कहने का मतलब -7 10^-7 से ये कम हो गया, क्योंकि और ज्यादा निगेटिव है ये। ठीक है, तो पीएच की वैल्यू क्या होगी, -log(-10) 10^-8
मतलब पीएच की वैल्यू हो जाएगी 8। ठीक है, कंक्लूजन क्या निकल रहा है? कंक्लूजन ये निकल रहा है कि इस तरह से हम लोग एक पीएच के लिए लाइन बना सकते हैं। ठीक है, 7 जब होगा तो सॉल्यूशन हमारा क्या होगा? न्यूट्रल होगा, जो केस 1 है। ठीक है, अब उसके बाद अगर 10^-7 से ज्यादा है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10^-7 से ज्यादा है, 10^-7 से ज्यादा कहने का मतलब क्या हुआ? 10^-7 से ज्यादा मतलब 10^-6 हो सकता है, 10^-5 हो सकता है, 10^-4 हो सकता है, ये सब ज्यादा है। इफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इज ग्रेटर देन 10^-7 देन द सॉल्यूशन इज एसिडिक और पीएच उसकी कम होती चली जाएगी। कहां तक? 0 तक। ठीक है, यानी इधर जितना आप बढ़ेंगे सॉल्यूशन क्या होते चला जाएगा? एसिडिक। और मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है पीएच की? तो आप देखिए, यहां मैंने आयनिक प्रोडक्ट की वैल्यू लिखी थी, केडब्ल्यू कितना लिखा था? 10^-14। तो अगर आप यहां पर 10^-14 रखेंगे तो पीएच की वैल्यू मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 14 हो सकती है। और 14 इधर तरफ जब बढ़ेंगे तो ये सॉल्यूशन क्या होते चला जाएगा? बेसिक होते चला जाएगा। यानी जो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा उसका पीएच कितना होगा? 14 होगा, स्ट्रॉन्ग बेस। और स्ट्रॉन्ग एसिड का पीएच कितना होगा? 0 point something होगा, 0 तो नहीं हो सकता है, ये आपका स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। और बीच में क्या होगा? सॉल्ट या न्यूट्रल कहिए, जिसका पीएच 7 होगा। ठीक है, तो यही आपका कॉन्सेप्ट है पीएच का। ठीक है ना, अब आप देखिए कि जो भी इंडिकेटर होता है वो पार्टिकुलर पीएच के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज करता है। जैसे हम यहां पर अभी लिखे हैं फिनोप्थलीन, तो फिनोप्थलीन कलरलेस होगा कब तक? जब तक पीएच 7 होगा। 7 से जैसे ही आगे होगा पीएच, पीएच का बढ़ना मतलब एच प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा? डिक्रीज होगा। ठीक है ना, आप देख रहे हैं ना, यहां पर आप मैंने 3 केस जो लिया है, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन 10^-7 मतलब OH माइनस आयन के बराबर है, तो इस केस में पीएच कितना है? 7 है। दूसरा मैंने सपोज किया है H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इज 10^-6 मतलब दिस इज ग्रेटर देन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन, तो यहां पर पीएच की वैल्यू कितनी मिल रही है? 6, यानी पीएच घट रहा है। H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू घटेगी। क्यों? H प्लस आयन अगर ये बढ़ रहा है तो आगे नेगेटिव साइन है, तो जाहिर सी बात है अगर कोई कहे आपसे कि -2 बड़ा है कि -5 बड़ा है तो कौन सा बड़ा होगा? -2 बड़ा होगा। यानी अगर H प्लस बढ़ेगा, H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो पीएच की वैल्यू घटेगी। यानी जितना कम होगा पीएच की वैल्यू, सॉल्यूशन उतना ही एसिडिक होगी, H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही ज्यादा होगा। पीएच का वैल्यू अगर इंक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब है H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है और सॉल्यूशन बेसिक हो रहा है। ठीक है ना, तो ये आपका पीएच का कॉन्सेप्ट है। और पीएच के चेंज होने पर जो इंडिकेटर्स होते हैं वो कलर चेंज शो करते हैं। ठीक है, अच्छा, तो पहला चीज कि ये देखिए जो 3 एग्जाम्पल मैंने लिया है जो हमारे जनरल इंडिकेटर्स हैं, तो ये लिटमस पेपर से अगर आप टेस्ट करेंगे तो ये तो पता चल जाएगा कि कोई सॉल्यूशन एसिडिक है कि बेसिक है। जैसे रेड हो गया अगर लिटमस पेपर तो एसिडिक है, ब्लू हो गया तो बेसिक है। ठीक है, लेकिन ये नहीं पता चल पा रहा है कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। ठीक है, जैसे जो लेमन होता है, नींबू, नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, तो वो एसिड हम लोग खाने के लिए अपने खाने के चीज़ों में उसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, उसी तरह से जो टमाटर है उसमें भी एसिड पाया जाता है, टोमेटो, तो वो हमारे लिए नुकसान का चीज़ नहीं है, वो कोरोसिव नहीं होते हैं, हमारे बॉडी पर कोई भी इंजरी कॉज नहीं करते हैं। लेकिन वहीं सल्फ्यूरिक एसिड देखिए, वो स्ट्रॉन्ग एसिड है, वो अगर हमारी स्किन पर पड़ जाए तो स्किन जल जाएगा। तो केवल हमारे लिए ये सफिशियंट नहीं है कि बस हम जान जाएं कि वो एसिड है कि बेस है, ये भी जानना होगा कि वो स्ट्रॉन्ग एसिड है कि वीक एसिड है। वीक एसिड होगा तो उसका इफेक्ट जनरली हमारे लिए एडवर्स नहीं होगा, लेकिन स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एडवर्सली इफेक्टिंग हो सकता है। ठीक है ना, तो इसलिए यूनिवर्सल इंडिकेटर बनाया गया। यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? यूनिवर्सल इंडिकेटर they are indicators which are prepared
by mixing several indicators. ठीक है, they are used to know the strength of strength ना कहिए, they are used to know the exact nature of acidic or basic solution. मतलब strong और weak nature. ठीक है, कि बेस है तो वो वीक बेस है कि स्ट्रांग बेस है, एसिड है तो स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड है, ये भी हम लोग इससे पता कर सकते हैं. ठीक है, अब लैब में तो आप देखे हैं कि नहीं, लेकिन बुक में एक फिगर होगा, ऐसे स्ट्रिप बना होगा जो अलग अलग कलर उसमें होगा. ठीक है, तो ये यूनिवर्सल इंडिकेटर पेपर अवेलेबल भी होता है, साइंटिफिक दुकानों पर आपको मिल जाएगा. तो उसमें अलग अलग कलर होता है अलग अलग पीएच के लिए. जैसे आपने कोई पार्टिकुलर सॉल्यूशन है उसमें उसको डिप किया, तो पीएच 5 पे अलग कलर होगा, पीएच 4 पे अलग कलर होगा, पीएच 2 पे अलग कलर होगा, पीएच 12 पर अलग कलर होगा, पीएच 14 पर अलग कलर होगा. तो वो कलर से आपको पता चल जाएगा कि उस पार्टिकुलर सॉल्यूशन का अप्रॉक्स पीएच क्या है. ठीक है, तो ये और बेटर इंडिकेटर हुआ जनरल इंडिकेटर के कंपैरिजन में, क्योंकि इससे हमको ये भी पता चल जा रहा है कि वो एसिडिक है तो उसकी डिग्री ऑफ, हमको ये भी पता चल जा रहा है कि अगर वो एसिडिक है तो वो स्ट्रांग एसिड है कि वीक एसिड है, या उसकी कितनी पीएच है, कितना स्ट्रेंथ है, उसके बारे में भी कुछ आइडिया हमको मिल जा रहा है. ठीक है ना, तो इसलिए ये सबसे बेहतर इंडिकेटर होगा और सबसे सेफ होगा, जिससे हम लोग सबस्टेंस को अलग अलग तरह के कैटेगरी में क्लासिफाई कर सकते. ठीक है ना, सो दैट्स ऑल अबाउट द इंडिकेटर्स. सॉल्ट्स आर सबस्टेंसेस विच आर फॉर्म्ड बाई पार्शियल और कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ एच प्लस आयन ऑफ एन एसिड विथ मेटेलिक और अमोनियम आयन. ठीक है, सॉल्ट्स ऐसे सबस्टेंस होते हैं जो एसिड के एच प्लस आयन का मेटल आयन या अमोनियम आयन के रिप्लेसमेंट से बनते हैं. जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन हुआ, अगर टेम्परेचर लेस देन 200 डिग्री सेल्सियस है तो ये इस तरह से आयनाइज होगा H प्लस और ये HSO4 माइनस हाइड्रोजन आयन बाइसल्फेट आयन, और ये तो सिंपली दो आयन बनाएगा Na प्लस और OH माइनस. तो दो सारे आयन्स की वैलेंसी 1 है, डायरेक्ट कंपाउंड बन जाएगा NaHSO4 प्लस H2O. ये सॉल्ट हो गया सोडियम बाइसल्फेट और ये हमारा वाटर है. एक और रिएक्शन है, मतलब यही रिएक्शन है. ठीक है, लेकिन टेम्परेचर हम लोग देख रहे हैं इसमें, टेम्परेचर इज मोर देन 200 डिग्री सेल्सियस, तब क्या होगा, तब ये कंप्लीट रिएक्शन होगा. ये Na प्लस और OH माइनस आयन में ब्रेक होगा और ये आयनाइज होगा इस तरह से 2H प्लस सल्फेट आयन. तो Na और सल्फेट, इसकी वैलेंसी 1 है, सल्फेट की वैलेंसी 2 यूनिट है, तो फॉर्मूला होगा Na2SO4 प्लस H और OH, दोनों की वैलेंसी 1 यूनिट है तो वाटर बनेगा H2O.
लेकिन रिएक्शन को हम लोग को बैलेंस करना होगा, तो ये टू टाइम्स कर देंगे, बैलेंस हो जाएगा 2H2O। ठीक है, तो आप देखिए ये भी सॉल्ट है, ये भी सॉल्ट है, ठीक है। एक और रिएक्शन में लिखता हूं CuOH होल ट्वाइस। देखिए मेटल का हाइड्रोक्साइड है मतलब बेस होगा, अब इसका रिएक्शन है HCl, HCl का एक्वस सॉल्यूशन यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से इसका रिएक्शन हुआ, तो बना CuOH Cl प्लस H2O। कैसे हुआ, देखिए कॉपर हाइड्रोक्साइड Cu2 प्लस आयन और OH माइनस दो आयन है, यहाँ पर H प्लस है और Cl माइनस आयन है। तो हो क्या रहा है कि जो कॉपर हाइड्रोक्साइड है उसका एक OH रिप्लेस हो रहा है, उसके जगह पर एक Cl आ जा रहा है और एक OH और एक H मिलकर के वाटर बना दे रहे हैं, ठीक है ना। जो आपका CuOH था ऐसे और OH था, तो एक Cl इसको रिप्लेस कर दिया, यहाँ Cl आ गया, रिमूव हो गया और H के साथ मिलकर के वाटर बना दिया। और दूसरा ये हो सकता है कि CuOH होल ट्वाइस है, ये कंप्लीट रिएक्शन हो जिससे CuCl2 प्लस H2O का फॉर्मेशन हो। अब रिएक्शन को हमको बैलेंस करना होगा 2 times और 2H2O ये बैलेंस हो गया। तो देखिए ये सारे रिएक्शन मैंने वही लिखा है, बेस प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड वाटर, सारे जो रिएक्शन लिखे गए हैं वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हैं और सभी जगह पर आप देख रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है ना। चारों रिएक्शन में आपको सॉल्ट एंड वाटर मिल रहा है, लेकिन सॉल्ट यहाँ पर 3 कैटेगरी के दिखाई दे रहे हैं। पहला कैटेगरी है नॉर्मल सॉल्ट, नॉर्मल सॉल्ट किसको कहते हैं, द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म बाय कंप्लीट रिप्लेसमेंट ऑफ H प्लस आयन्स ऑफ एसिड विथ मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन। जैसे यहां आप देखिए जो सोडियम सल्फेट बन रहा है ये आपका नॉर्मल सॉल्ट है, क्योंकि न तो इसमें H प्लस दिख रहा है न तो OH दिख रहा है, तो ये एग्जाम्पल हुआ हमारा नॉर्मल सॉल्ट का Na2SO4। वैसे यहां पर आप देखिए CuCl2 जो बन रहा है ये कंप्लीट रिएक्शन के बाद बन रहा है, तो ये भी हो गया नॉर्मल सॉल्ट्स, ठीक है। दूसरा कैटेगरी होता है एसिडिक सॉल्ट का, एसिडिक सॉल्ट्स में क्या होगा कि आपको सॉल्ट के फॉर्मूला में हाइड्रोजन आयन मिलेगा, जैसे ये जो हमारा है NaHSO4 ये आपका एसिडिक सॉल्ट हो गया NaHSO4, दिस इज एसिडिक सॉल्ट। क्यों, क्योंकि ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन इसमें है, ये आगे रिप्लेस कर सकता है इस तरह से Na++H++SO42-, दो इसमें पॉजिटिव आयन्स हैं तो वो H प्लस आयन को ये रिप्लेस कर सकता है, ये ब्रेक होगा तो H प्लस आयन रिमूव हो जाएगा, तो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन होने की वजह से इसको हम लोग कहते हैं एसिडिक सॉल्ट, और ये एसिड जैसा प्रॉपर्टी भी शो करेगा, ठीक है। इसी तरह से और एग्जांपल हो जाएगा, जैसे सोडियम बाइकार्बोनेट, तो देखिए ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करेगा क्योंकि इसमें रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। सोडियम बाइसल्फाइट NaHSO3, ये भी हाइड्रोजन इसमें दिख रहा है इसीलिए ये हो गया एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। यानी इसको हम लोग कह सकते हैं द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड विथ मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन, ठीक है। और तीसरा है हमारा बेसिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट में क्या होगा, आपको हाइड्रोक्सिल आयन दिखाई देगा फॉर्मूला में बेसिक सॉल्ट्स, तो हम कह सकते हैं द सॉल्ट्स विच आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन बाय एसिड एनायन, कि एसिड का जो एनायन है वो पूरी तरह से रिप्लेस नहीं कर पाए, जैसे यहाँ पर आप देखिए एसिड में कौन सा एनायन है Cl, वो पूरी तरह से रिप्लेस कर देता है OH को तो नॉर्मल सॉल्ट मिल जाता है जैसे यहाँ मिला है, लेकिन पूरी तरह से रिप्लेस नहीं किया, एक OH को रिप्लेस किया एक रह गया, तो ये जो सॉल्ट है ये कहलाएगा आपका बेसिक सॉल्ट, ठीक है। तो ये है आपका CuOHCl, पढ़ेंगे क्या इसको, बेसिक कॉपर 2 क्लोराइड या बेसिक क्यूप्रिक क्लोराइड, बेसिक कह दिए तो इसका मतलब है
कि ऐसा क्यूप्रिक क्लोराइड है जिसमें एक Cl के जगह पे अभी एक OH माइनस आयन अवेलेबल है, तो ये बेस जैसा प्रॉपर्टी शो करेगा, ठीक है ना। पूरी तरह से बेसिक प्रॉपर्टी नहीं होगी लेकिन बेस जैसा कुछ प्रॉपर्टी वो शो करेगा। तो इस तरह से जनरली सॉल्ट को तीन कैटेगरी में क्लासिफाई कर दिया गया है, नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट, ठीक है। छोटे छोटे क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है व्हाट आर एसिडिक सॉल्ट, गिव एग्जाम्पल, ठीक है। तो एसिडिक सॉल्ट्स आर दोज सॉल्ट्स विच आर फॉर्म बाई पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ऑफ एसिड विद मेटेलिक आयन और अमोनियम आयन। इसी तरह से नॉर्मल सॉल्ट और बेसिक सॉल्ट भी पूछा जाता है, तो डिफिनेशन आपको याद रखना चाहिए और विथ एग्जाम्पल्स, ठीक है ना। ओके, अब सॉल्ट्स में हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है सॉल्ट्स का प्रिपरेशन, कि सॉल्ट्स को कितने मैथड से हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं उसको हम लोग मैथड जान लें और विथ स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स उनके प्रिपरेशन को हम बता सकें,